क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ गिवन है जो कि इस ग्लास स्फीयर के सामने रखी हुई है। हमें उस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज फॉर्मेशन बताना है बाय दिस ग्लास स्फीयर, ठीक ना। ये ग्लास स्फीयर उस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कैसे बनाएगी और कहाँ बनाएगी, ठीक ना। तो अब देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज पे डालो। अब देखो, जैसे ही अब इस पॉइंट के बाद क्या है कि मीडियम बदलने वाली है, तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल से ही तो डिसाइड करते हैं कि रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी या फिर टुवर्ड द नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करने का सबसे सिंपल सा तरीका है स्फेयर में कि उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, ठीक ना। तो उसके सेंटर से डाली गई स्ट्रेट लाइन वो नॉर्मल होती है हमेशा, ठीक ना। स्फेयर के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे आप एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, वो नॉर्मल होगी उस पॉइंट पे, ठीक ना। तो ये नॉर्मल हो गई। अगर ये स्फेयर नहीं होती तो इस रे को जाना कैसे था ऐसे, तो अब ये क्या होगी, ये बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक ना। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये रही नॉर्मल, इस तरफ बेंड हो गई, ठीक। अब ये जो सरफेस वन है, इस वाली सरफेस की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बनेगी वो बनेगी इस वाले पॉइंट पे। इस इमेज को हम नाम देते हैं आई डैश, ठीक ना। इस वाली सरफेस की वजह से, ये वाली सरफेस जो है, इसे चाहो तो सरफेस वन नाम दे दो एस वन। तो सरफेस एस वन की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट ओ की जो एक इमेज बनी है वो है आई डैश, ठीक ना। अब ये जो इमेज है आई डैश, अब ये इस वाली सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए इसका नाम देते हैं एस टू। इस वाली सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक ना। और अब देखो उसकी फाइनल इमेज कैसे बनेगी, ये तो फालतू बात हो गई इमेज इमेज की, ठीक ना। यहाँ तो हमें रे की बेंड करके दिखा देना कि कहाँ कट कर रही है दूसरे सरफेस से। तो ये नॉर्मल हमने डाल दिया, ठीक ना, ये दूसरे सरफेस के लिए नॉर्मल है। अब लाइट की ट्रेवलिंग कहाँ हो रही है, डेंसर टू रेयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये रही, रे को जाना ऐसे है तो थोड़ी बेंड कर जाएगी, ठीक ना। अब इस वाली पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, तो यही यहां पे इसकी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, रे अंदर गई इस वाले पॉइंट पे जाके, एक बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और जब अब इसे ग्लास स्फीयर से बाहर जाना है तो अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल डालने का वही तरीका है कि इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, ठीक ना, वो नॉर्मल ही होगी, ठीक। तो रे को जाना ऐसे था, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट गई ना, और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आ गई है,